अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स फंसी हुई हैं, जिनका एक नया मैसेज सामने आया। उन्होंने अपनी सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई है। आठ दिन के मिशन पर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची थी। लेकिन उनकी वापसी में भारी दिक्कत सामने आ रही है। पूरी दुनिया उनकी धरती पर सुरक्षित वापसी की कामना कर रही है, लेकिन अभी भी कोई रास्ता नहीं निकला है जिससे उनकी वापसी हो पाए। इसी बीच अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता विलियम्स का मैसेज सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी वापसी की बात कही है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकलेगा और वो वापसी करेंगी। I have a real good feeling in my heart that this spacecraft will bring us home, no problem. I feel confident that if we had to, if there was a problem with the International Space Station, we can get in our spacecraft and we can undock, talk to our team and figure out the best way to come home. फिलहाल सुनीता और बुच विलमोर दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस स्टेशन पर शोध कार्य कर रहे हैं। स्टेशन के मेंटेनेंस को भी देखा जा रहा है। सुनीता का ये भी कहना है कि वो स्पेस स्टेशन के क्रू के साथ कई तरह के कामों में व्यस्त हैं। सुनीता ने बताया कि वो एक हफ्ते पहले स्टारलाइन कैप्सूल में भी गई थी, ताकि उसके कंट्रोल को फिर से जांच सकें। ग्राउंड स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सारा काम किया गया था। इसी स्टारलाइन यान में वो सवार होकर स्पेस स्टेशन पहुंची थी। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को स्पेस स्टेशन पर एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 5 जून को दोनों ने नासा के नए स्पेस क्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर से स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। स्टार लाइनर में आई तकनीकी खराबी के चलते ये यात्रा लंबी खींचती जा रही है। स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन के नजदीक तक ऑटोमेटिक मोड में पहुंचा था। लेकिन डॉकिंग से ठीक पहले थ्रस्टर्स में दिक्कत आई। सुनीता के मुताबिक इसीलिए इसे मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ा। विलमोर का कहना है कि थ्रस्टर्स, कंट्रोल और यान की क्षमता कमजोर हुई थी। यान को संभालने में भी दिक्कत आ रही थी। उम्मीद है कि स्टार लाइनर कैप्सूल की दिक्कत जल्द खत्म करके दोनों को वापस लाया जाएगा, लेकिन एक महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी नासा की तरफ से कोई संतोषजनक जानकारी सामने नहीं है, जिससे समस्या दूर नहीं हो पा रही है। अब इंतजार इसी बात का है कि जल्द से जल्द स्टार लाइनर यान की तकनीकी दिक्कत दूर हो और सुनीता सुरक्षित घर आए। राह में अड़चन जरूर है, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।